Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। ईडी के नोटिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नोटिस गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की टीम पहुंची है। मंत्री के सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास पर ईडी का सर्च जारी है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के 1921 मामले सामने आए हैं, जो कि इस सीजन के सर्वाधिक मामले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना का दौरा करेंगे। यहां वो मेडीगट्टा बैराज में हुई क्षति का निरीक्षण करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी आवाज मन्नत के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम गाजा से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। इसराइल हमास जंग के शुरू होने के बाद पहली बार रफा कांग्रेस विदेशी नागरिकों के लिए खुली है। इस कांग्रेस के रास्ते लोगों को गाजा से मिस्र जाने की इजाजत दी गई है। इसराइल हमास जंग के बीच जॉर्डन ने इसराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने ठाणे के भिवंडी में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर काली पोत दी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बुधवार को ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले के चलते अमेरिकी बाजारों में उछाल दिखा और इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है। घरेलू बाजार जोरदार उछाल के साथ खुलने में कामयाब रहे और निवेशकों के चेहरे खिले हुए हैं। सकल मराठा समाज के नासिक जिला इकाई ने बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि वो दीपावली को काली दिवाली के रूप में मनाएंगे। मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसक रूप धारण करने के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन देखे गए। इस पर रामदास आठवले ने कहा कि हम सब मनोज जरांगी के साथ हैं, उन्हें कुछ समय देना होगा। मराठा आरक्षण के बीच हुई हिंसा को लेकर पूरे महाराष्ट्र में 141 मामले दर्ज हुए हैं और 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस ने मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग को अवरुद्ध करने और टायर जलाने के आरोप में मराठा आरक्षण का समर्थन करने वाले संगठनों के लगभग 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के कुछ हिस्सों में चल रहे आंदोलन को देखते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्थानीय आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक के बाद मनोज चरांगे से अपील की है कि वो सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें। उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। आयकर विभाग ने हैदराबाद और अन्य जगहों पर छापेमारी की है। 10 जगहों पर सर्च जारी है। बारहवीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और विक्रांत मिश्रा की ये फिल्म बिग टेस्ट में भी करोड़ों में कलेक्शन करी है। बुधवार को भी फिल्म की कमाई अच्छी रही। सुपरस्टार शाहरुख खान आज अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहरुख ने अपने बर्थडे पर अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। सिनेमा घरों में ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद अब जवान ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए भी तैयार है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।